बेल्जियम के ऐतिहासिक दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के लिए हुए रवाना। पीएम वाशिंगटन में चौथे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। वाशिंगटन में आयोजित परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 53 देश परमाणु खतरे से जुड़े मुद्दों पर करेंगे विचार विमर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए बताया चुनौती। कहा, भारत में युद्ध से ज्यादा सैनिक आतंकवादी घटनाओं में हुए शहीद। कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में दिखी तेजी। भारत और बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय भागीदारी को बढ़ाने पर बनी सहमति। पीएम ने कहा, यदि बेल्जियम की क्षमताएं और भारत की ग्रोथ मिल जाए तो दोनों देशों के आर्थिक हितों को मिलेगी नई ऊंचाइयां। पीएम ने कहा, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से सभी पक्षों को होगा फायदा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन के तहत उत्तराखंड में नए वित्त वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को मंजूरी देने के लिए विनियोग अध्यादेश को दी मंजूरी। नैनीताल हाईकोर्ट की दो जजों वाली बेंच ने आज होने वाले बहुमत परीक्षण पर लगाई रोक। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को। कांग्रेस 9 बागी विधायकों को विश्वास मत के दौरान वोट देने का अधिकार दिए जाने के खिलाफ पहुंची अदालत। कांग्रेस ने की नैनीताल हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच में अपील दाखिल। पठानकोट हमलों की जांच के लिए आई पाक टीम और एनआईए के बीच दिल्ली में हुई बातचीत। सबूतों का आदान प्रदान हुआ शुरू। एनआईए ने पाक से पठानकोट हमले के दोषियों से पूछताछ के लिए मांगी इजाजत। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को आज खुला रखने के दिए निर्देश। डाकघरों में रात 10 बजे तक हो सकेगा लेन देन। किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या ने बैंकों के सामने 4,000 करोड़ रुपए लौटाने का रखा प्रस्ताव। माल्या और उनकी कंपनी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 17 बैंकों का 7,000 करोड़ रुपए कर्ज बकाया। उच्चतम न्यायालय ने सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद करने वालों को सुरक्षा देने वाली केंद्र की अधिसूचना को दी मंजूरी। मददगारों को पुलिस और अन्य प्राधिकरणों से कानूनी सुरक्षा के दिए दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला। नक्सलियों की बिछाई बारूदी सुरंग की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद।